आरआरआर के बाद भाई बॉलीवुड हो या साउथ हो, पूरे इंडियन सिनेमा में एक ही चीज दौड़ रही है, वो है मल्टी स्टारर मूवीज। बॉलीवुड यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि जितने हो सके एक्टर भर दो। ब्रह्मास्त्र में अपने देखा होगा शाहरुख खान नजर आए थे, रणवीर कपूर नजर आए थे, आपको अमिताभ बच्चन नजर आए थे, एंड वन एंड ओनली नागार्जुन साहब भी मूवी में थे, एंड आदित्य चोपड़ा प्लान कर रहे हैं शाहरुख खान सलमान खान ऋतिक रोशन के साथ एक मूवी। एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन मल्टी स्टारर, और वहीं पर साउथ वाले इनसे बड़ा प्लान करके बैठे हैं। देखिए इस वक्त साउथ की हर एक इंडस्ट्री भाई सब धमाका कर रही है। कन्नड़ा इंडस्ट्री की बात करें तो वहां से KGF आई, अब कब जा रही है, विक्रांत रोना आई। वहीं तेलुगु की अगर बात करें तो भाई साहब बैक टू बैक पुष्पा, उसके बाद आपकी मेजर, उसके बाद आपकी आ गई RRR, धमाका ही धमाका। तमिल भाई साहब वो तो पागल ही कर दे रहे हैं यार, विक्रम। अब उसके बाद PS1 आ रही है, सूर्या 42 आ रही है, वहां से थलापति साहब अपनी मूवीज लेकर आ रहे हैं, यहां से विक्रम लेकर आ रहे हैं। एवरीबडी इज डूइंग फैबुलस वर्क। और उसी बीच एक अपडेट आई है, तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री कोलैब कर रहा है, और भाई यहां से आ रही है मल्टी स्टारर भयंकर फिल्म जिसकी कास्ट कुछ ऐसी है, अल्लू अर्जुन जूनियर, NTR साहब, एंड वन एंड ओनली माय पर्सनल फेवरेट सूर्या। सूर्या भाई सब तमिल इंडस्ट्री से और तेलुगु के दो बड़े महानायक। भाई बॉलीवुड खत्म हो जाएगा, एंड एक पीरियड मूवी बताई जा रही है जहां पर ये तीनों लोग करीब करीब 700 से 800 गांवों को बचाते हैं एक दुष्ट राजा। अब वो नहीं बताया वो कास्ट में क्या होगी वहां से, मतलब कि तीनों अपने अलग 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 कबीलों के राजा हैं, एक साथ आते हैं एंड लड़ते हैं। भाई इससे एपिक कुछ भी नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ भाई। तुम चाहे किसी को भी एक साथ ले आओ, तुम पूरा बॉलीवुड एक साथ ले आओ, इस मूवी के आगे नहीं टिक पाओगे। जनता आपकी क्या राय है जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, आग लगेगी कि नहीं लगेगी इस फिल्म के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में। डू लेट मी नो थ्रू कमेंट। बाकी मिलता हूँ बहुत जल्द, अलविदा।